लास्ट 4 साल का डेटा हम लोग देखें 2020 से लेके 2024 तक, तो 1930 पोर्टल बेसिकली जो विक्टिम्स होते हैं साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स, वो इस पोर्टल में कॉन्टैक्ट करते हैं। जितना जल्दी कॉन्टैक्ट करते हैं उतना जल्दी उनका जो लॉस्ट मनी है वो प्रिवेंट, मतलब आगे जो फ्रॉड से लेके जाने से प्रिवेंट हो जाते हैं। 2020 में हम लोग 23,000 कंप्लेंट्स रिसीव किए, वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 2023 में 1,19,000 तक बढ़ गया, और 2024 में अभी तक टिल अप्रैल 41,000 के आसपास आ गया। ये देखते हुए हमें लगता है कि ये साइबर क्राइम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज हम लोग डिसाइड किए पूरा एंटायर गुजरात स्टेट भर एक्सटेंसिवली डिस्ट्रिक्ट सिटीज एंड स्टेट नोडल एजेंसी की तरफ ये जो विक्टिम्स है, आगे इस तरह के केसेस में विक्टिम ना हो इसके लिए हम लोग एक ब्रीफिंग देना चाहते थे। उसके बाद रूप में आपको मैं अभी डिटेल देना चाहता हूँ। जो साइबर फिनेंशियल फ्रॉड्स है, ट्रेंडिंग क्राइम्स है, उसमें सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स है फेक आइडेंटिटी फ्रॉड है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट सडनली उनको रिटर्न ज्यादा मिल जाता है, एसेट एंटेस करके इन्वेस्ट करवाते हैं। थर्ड कार्ड फ्रॉड, जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, देन ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, विदाउट ओटीपी फ्रॉड, लोन एप्लीकेशन फ्रॉड, फ्रॉड बाय लिंक्स, जॉब फ्रॉड, बुकिंग फ्रॉड, बुकिंग इन द सेंस होटल्स और रिसोर्ट्स उसके बुकिंग करते हैं, उसमें एक्चुअली जो रियल होटल्स का वेबसाइट है उसके मॉडिफाई करके फिशिंग वेबसाइट्स बनाते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बुक अ रूम इन ताज, ताज होटल के नाम पे नकली वेबसाइट होते हैं, उसमें पैसा कलेक्ट कर देते हैं, और व्हेन द जो कस्टमर गोज टू द होटल एक्चुअली वहां पर पे नहीं होते, उनके बुकिंग नहीं रहता है। इस तरह के फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया फेक फेसबुक आईडी डाल के फ्रॉड करते हैं, टॉस्क है, और इस तरह के काफी फ्रॉड्स हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वी वांट टू अर्ज द पीपल के ऐसे ऐसे फ्रॉड से दूर रहें। उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए उसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं बार बार बताता हूँ, जो ऑफलाइन में आप लोग शेयर नहीं करते हैं वैसे चीज ऑनलाइन में भी शेयर नहीं करना चाहिए। सपोज ऑफलाइन में कोई आके आपको पूछता है आपका आधार नंबर बताओ, बैंक नंबर बताओ, बैंक का केवाईसी डिटेल बोलो, मोबाइल फोन नंबर दो, आप नहीं बोलते हैं। पर इसी चीज आपको ऑनलाइन में आके कोई प्रटेंड करता है, या बैंक स्टाफ अथवा पुलिस, कस्टम्स ऑफिशियल या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह के प्रटेंड करके आपसे माहिती मांग रहे हैं, आप तुरंत दे देते हैं। आप वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं सही में वो जेन्युइन आदमी है या नहीं है, वो वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करें तो ये मोस्ट ऑफ द फ्रॉड्स खत्म, मतलब रोक सकते हैं। इसी तरह के अननोन लिंक्स आप क्लिक करके आपके पूरा मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं, और इवन इफ यू डोंट शेयर योर ओटीपी ऑटोमेटिकली उनके पास वो चले जाते हैं। उसकी वजह से आपका डायरेक्टली आपका बैंक क्रेडेंशियल्स वो सब लेके मनी स्टील करते हैं। सेम फॉर एग्जांपल शेयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो विक्टिम्स है इसमें, पहले कभी ना कभी वो शेयर मार्केट में शेयर खरीदी बेचने के काम किए होंगे। वो लिस्ट अभी आजकल डार्क वेब में भी मिल रहे हैं, कहना कि इनको शेयर जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनका डिटेल्स भी लीक होता है। उसके बेसिस में उनको स्पेसिफिकली जो शेयर में रेगुलरली काम करते हैं उनको अप्रोच करते हैं ये लोग, और मोस्टली ये जो शेयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स है वो इंटरनेशनल फ्रॉड्स है, मोस्टली हांगकांग, कम्बोडिया, चाइना और अदर कंट्रीज से ऑपरेट हो रहे हैं। सो जो गलीबल विक्टिम्स है उनके इस तरह के प्रॉमिस करते हैं कि आईपीओ अभी लॉन्च होने वाले हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे तो विदिन अ मंथ, विदिन अ टू मंथ्स आपका अमाउंट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द ग्रीडीनेस विक्टिम्स इमीडिएटली आपका पैसा सब ट्रांसफर करवा देते हैं, और उसमें इवन फेक वेबसाइट में आपके अकाउंट के हिसाब से कितने परसेंटेज इंक्रीज होता है वो दिखाते हैं, एक्चुअली वो इंक्रीज नहीं होते हैं और बेसिकली फेक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको विड्रॉ करने नहीं देंगे, विड्रॉ करने के लिए और भी इन्वेस्ट करने के लिए एंटेस करते हैं। बाय द टाइम आप जितने टाइम इन्वेस्ट कर दिए और टाइम लैप्स हो जाता है, आपका पैसा इंडिया से बाहर क्रिप्टो करेंसी मार्फत है बाहर चले जाता है, फिर 10-15 दिन के बाद आते हैं, बाय द टाइम वो पैसा चले जाते हैं, वो रिकवर करने में लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को भी प्रॉब्लम होता है। इमीडिएटली अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं एनी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड,
इमीडिएटली जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन देते हैं उतना जल्दी 1930 पोर्टल के जरिए हम लोग उसके फ्रीज करके मैक्सिमम हम लोग रिटर्न कर सकते हैं मनी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 4 ईयर्स में गुजरात से टोटल जो फ्रॉड अमाउंट गया इन क्रोर्स आई एम टेलिंग 1555 क्रोर्स, उसमें से बिकॉज ऑफ द पुलिस एफर्ट्स थ्रू 1930 पोर्टल हम लोग 346 क्रोर रुपीज को पुट ऑन होल्ड, यानी कि उसका पैसा रुकवा दिया, आगे जो फ्रॉडुलेंट जो अकाउंट्स है उसमें आगे जाने से रुकवा दिया। उसमें से हम लोग 48% इवन रिफंड भी कर दिया जो विक्टिम्स का, और अभी भी रिफंड टोटल परसेंटेज देखेंगे टोटल जो मनी लॉस हुआ उसमें से 14% पुट ऑन होल्ड से 14% विक्टिम्स को रिफंड कर दिया। जितना जल्दी विक्टिम्स पुलिस को अप्रोच करें 1930 में ऑनलाइन में आप डिटेल देंगे, इमीडिएटली जैसे अभी आपका फ्रॉड हुआ विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स जल्दी से जल्दी देंगे तो उतना जल्दी आपके पैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको पुट ऑन होल्ड कर सकते हैं। म्यूल अकाउंट्स हम लोग फ्रीज करते हैं, इवन अप टू 3 लेयर्स तक जो म्यूल अकाउंट्स फ्रीज करते हैं वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, और भी उसके नेक्स्ट लेयर में पैसा जब जाएगा जितना जल्दी आप बताएं उतना जल्दी आगे के लेयर्स में हम लोग पैसे रिकवर करके विक्टिम्स को दिलवा सकते हैं।